चलिए अब बात करते हैं यूपी की राजनीति की, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए जल्दी उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जुबानी जंग भी जारी है। और इस जुबानी जंग का केंद्र बिंदु है बुलडोजर, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव जहां बुलडोजर का स्टीयरिंग मोड़ने की बात कह रहे हैं कि वो स्टीयरिंग मोड़ेंगे अब गोरखपुर की तरफ, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा होना चाहिए। देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। देश में सियासी पारा हाई है। बुलडोजर पर उठे तूफान ने अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच नई जुबानी जंग छेड़ दी है। दोनों तरफ से व्यंग बाढ़ छोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसी जुबानी जंग उस समय भी नहीं छिड़ी थी जब देश में आम चुनाव थे, लेकिन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने दोनों तरफ से नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है। दरअसल इस जुबानी जंग की शुरुआत मंगलवार को सपा सुप्रीमो के दिए बयान के बाद हुई। अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर सीएम योगी को चुनौती दी, जिसके बाद सीएम योगी ने दिल दिमाग और जिगर की बात कह डाली। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर को लेकर न्याय और अन्याय की बात चली तो सीएम योगी ने तीखे प्रहारों का रैपिड फायर शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने जहां बुलडोजर के स्टीयरिंग की कमांड जनता के हाथों में बताई, तो वहीं सीएम योगी ने सपा को पुराने दिन याद दिलाते हुए प्रदेश में होने वाले दंगों का जिक्र छेड़ दिया। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है, उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दे। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। यानी हर बयान के बाद प्रहार और तीखा हो रहा है। सीएम योगी कह रहे हैं कि टीपू भी सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं, तो अखिलेश यादव का कहना है कि बुलडोजर पर इतना भरोसा है तो नई पार्टी बनाकर इसे चुनाव चिन्ह बना ले। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनका स्वागत हो रहा है। ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने, तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दे मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दे उसको। जब इतने ही नाम बदले जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दे मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की सियासत में जाते की बात ना हो तो सियासी तड़का अधूरा रह जाता है। बुलडोजर से शुरू हुई जुबानी जंग जाति तक पहुंची, तो दोनों तरफ से एक दूसरे पर भेदभाव के आरोप मढ़े जाने लगे। सीएम योगी ने जहां मौजूदा दौर में पिछड़ों को हक दिलाने की बात कही, तो वही अखिलेश यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति देखने का आरोप लगाया। सोचिए कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग, और जाति और धर्म को देख करके FI लिखाई जा रही है, FIR नहीं लिखाई जा रही है। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। बुलडोजर से शुरू हुई सियासत वार पलटवार की चपेट में बहराइच का भेड़िया भी आ गया। अखिलेश यादव ने जहां भेड़िए के मामले में सरकार को गंभीरता बरतने की सलाह दी, तो वहीं सीएम योगी ने 2017 के पहले यूपी की याद दिलाते हुए चाचा भतीजे पर खुलकर हमला बोला। जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के,
कहीं चाचा, कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही चुनावी नेट प्रैक्टिस जारी है। बीजेपी जहां विकास कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुखर है, तो वही लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बढ़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ये जुबानी जंग और कितनी धारदार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इधर बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, और इससे पहले गोकुल सेतिया की कांग्रेस ज्वाइनिंग पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेतिया डॉन का संबंध लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड से है। इसकी फोटो भी सामने आ चुकी है, और अब सवाल इसलिए कि कांग्रेस में ज्वाइनिंग के पीछे का आखिर मकसद क्या है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के चंद ही दिन बाकी हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री भी कांग्रेस में हो गई है। दरअसल हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मण दास अरोड़ा के पोते गोकुल सेतिया ने दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। चंडीगढ़ में वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो समय पे उनके साथ पढ़ते थे, और ये पूरा जो फ्रेंड सर्कल है कॉमन था, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं, बट अदरवाइज इट्स नथिंग टू डू विद गोल्डी बराड एंड हिज गैंग। लेकिन मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड के नजदीकी गोकुल सेतिया के कांग्रेस में एंट्री के बाद ही हरियाणा की राजनीति में सनसनी भी फैल गई है, और इसके पीछे वजह है गैंगस्टर गोल्डी बराड और कांग्रेस में शामिल हुए गोकुल सेतिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होना। वो मेरी अब से 10-15 साल पुरानी फोटोज जो कि गोल्डी बराड के साथ, अमनदीप मुल्तानी के साथ कॉलेज टाइम की जो मेरी फोटोज थी, उनको ये लोग वायरल कर रहे हैं अपने हरियाणा न्यूज चैनल पे। 10-15 साल पहले की, अब कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया हमारा मित्र, कोई बाहर चला गया, कोई अपनी फार्मिंग संभाल रहा है, कोई सरकारी जॉब लग गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई गैंगस्टर बन गया। तो आज जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 10 साल बाद उनके साथी क्या बन जाएंगे, किसी को पता होता है?